Hello everyone, my name is Mansoor Irfan. I am working in Kinderspot LLP at NS High School, Bayad, District Aravalli. I am handball trainer. आज हम सीखेंगे कि आपको रनिंग में शॉट कैसे मारना है. जैसे कि आप रनिंग में हो तो आपको बिना जंप लिए बिना कोई मूवमेंट किए आपको शूट कैसे मारना है. ठीक है, ये इसको आप एक सरप्राइज शॉट भी कह सकते हो क्योंकि किसी को पता भी नहीं चलेगा और आपने मार दिया. अब सबसे पहले ये जानेंगे कि आपको रनिंग शॉट कब मारना है. जब आप कोई प्लेयर हो, सारे प्लेयर डिफेंस कर रहे हैं, तब आप रनिंग शॉट नहीं मार सकते क्योंकि वो सारे प्लेयर आपको मतलब डिफेंस कर लेंगे और आपसे बॉल भी छीन लेंगे और आपको पकड़ भी लेंगे. तो इसमें आपको सिर्फ 9 मीटर मिलेगा. आपको रनिंग शॉट तब मारना है जब आप काउंटर लेके जा रहे हो, तब गोलकीपर को पता भी नहीं चलेगा. गोलकीपर सोचेगा ये जंप शूट लेगा प्लेयर, फिर उसके बाद शॉट मारेगा, मतलब ठीक है शूट करेगा. तो आपको ये शॉट मतलब ये अपना रनिंग शूट तभी मारना है जब आप काउंटर लेके जा रहे हो, तब कोई डिफेंडर नहीं है क्योंकि उसमें आपको सबसे कम मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि आप ये जा रहे हो. और आपको एक बात और, आपको गोलकीपर के आंखों में नहीं देखना है क्योंकि उससे आप देखोगे तब भी आपको उसको पता नहीं लगने देना कि आप कहाँ पे मारने वाले. क्योंकि ज़्यादातर बंदे क्या करते हैं, कैसे गोलकीपर की आंखों में देखते हैं और मतलब गोलकीपर की आंखों में कब मतलब जहाँ पे आपको शूट करना है वो टारगेट को देखते हैं, वो टारगेट अपने को बिल्कुल भी नहीं देखना है. ठीक है, अब इसमें आप थोड़ा एडवांस भी ले सकते हो. एडवांस में आपको क्या करना है, आपको रनिंग में ये मूवमेंट करने हैं. ठीक है, गोलकीपर समझेगा यहाँ पे मार रहे हैं वो. ठीक है, तो आपको इस साइड मार लेना. आपकी इसमें ग्रिप मजबूत होनी चाहिए क्योंकि आप ऐसे ये मूवमेंट लोगे और बॉल हाथ में से फिसल जाएगा तो आपका ये शूट मारने का कोई मतलब ही नहीं है. ठीक है, एडवांस में आपको ये रनिंग में ये मूवमेंट लेना है और आपको कहीं और मारना है. ठीक है, ये अपना थोड़ा एडवांस हो जाएगा. इससे आप मतलब गोलकीपर को चकमा देके कहीं और पे भी मार सकते हैं. इसके अपने थोड़े 2-3 मैं आपको करके दिखाऊंगा, वो आप देखिए. अब इसमें ध्यान में रखने जैसे बात इस पहले देख लेते हैं. ठीक है, आपको इसमें ये ध्यान में रखना है कि आप जब ड्रिबल करना स्टॉप करोगे और रनिंग स्टार्ट करोगे तब आपको 3 स्टेप से ज़्यादा नहीं लेना. तो जब आप शूट कर रहे हो रनिंग में तब आपको गोलकीपर के ऊपर नहीं मारना. जहाँ पे आपको स्पेस दिखाई दे वहाँ पे आपको फुल पावर से मतलब फोर्स से मारना है, इससे आपका गोल भी काउंट हो जाएगा. अब हम इसके बेनिफिट के बारे में जानेंगे. सबसे पहले बेनिफिट ये है कि जब आप इसमें रनिंग में मारोगे तो गोलकीपर आपके जंप शूट का वेट करेगा और आप ऐसे ही रनिंग में मार दोगे तो गोलकीपर को पता भी नहीं चलेगा कि आपने बॉल मार दिया. और जिसका इसका एडवांस में है उसमें बेनिफिट ये है कि जब आप मूवमेंट लोगे तो गोलकीपर आपकी मूवमेंट ट्रैक करेगा और उस तरफ मूवमेंट करेगा तो आपको दूसरी तरफ स्पेस मिलेगा, तो आपको वहाँ पे शूट करना है. ठीक है, तो ये आपका इजीली गोल काउंट हो जाएगा. थैंक यू, स्टे फिट स्टे हेल्दी. यस.